क्वेश्चन यस मैम सर ने नंबर करवाए थे बट मैम थ्योरिटिकल सर ने कुछ कुछ टॉपिक्स बोलते कि मैम करवाएंगे। अच्छा थ्योरी के कुछ कुछ क्वेश्चंस रह गए थे। मैम आप तो फ्लक्स करवाओगी ना फ्लक्स? हाँ मैं तो फ्लक्स स्टार्ट कराऊंगी। फ्लक्स के बाद हाँ फ्लक्स के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे पोटेंशियल गॉस लॉ। हाँ फ्लक्स के बाद गॉस लॉ। गॉस लॉ के एप्लीकेशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे बट गॉस लॉ की थ्योरी आज न्यूमेरिकल्स को हम लोग आज ही कर लेंगे। ठीक है तो टाइम नहीं वेस्ट करते हैं जस्ट स्टार्ट करते हैं क्लास। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। तो हम लोग फ्लक्स स्टार्ट करेंगे भाई आज। फ्लक्स में देखो क्या क्या पढ़ने वाले हैं। फ्लक्स का इंट्रो हुआ था जस्ट बट तुम लोगों को समझना रह गया था है ना। तो फ्लक्स के बारे में पढ़ेंगे। फ्लक्स क्या होता है एरिया वेक्टर, फिर उसके बाद गॉस लॉ और फिर गॉस लॉ से फ्लक्स कैसे निकालते हैं वो सब आज देखते हैं क्वेश्चन। फिर उसके बाद बहुत ढेर सारे न्यूमेरिकल्स हैं जो न्यूमेरिकल्स ही न्यूमेरिकल्स हैं इस वाली पीपीटी में। ठीक है वेटेज वही है कि 18 से 19 क्वेश्चन आते हैं हर साल। एक शिफ्ट में 2 से 3 सवाल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के जरूर मिलते हैं। फ्लक्स का एक क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। फ्लक्स से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं और एडवांस में तो फ्लक्स और गॉस लॉ यहीं से ही क्वेश्चन आएंगे। फॉर द एडवांस दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए देखो फ्लक्स क्या होगा। अगर फ्लक्स नॉर्मल किसी भी फ्लक्स की बात करें तो आप फ्लक्स को क्या होता है टू मेजर किसी भी चीज को मेजर करना है ना। जैसे अगर मैं ये वाटर फ्लक्स की बात करूँ तो वाटर फ्लक्स क्या होगा अगर आपको वाटर मेजर करना है तो यू कैन कॉल इट वाटर फ्लक्स। एयर को अगर मेजर करना है कि इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में कितना मतलब एयर फ्लक्स कितना है तो यू कैन कॉल इट एयर फ्लक्स। सिमिलरली जब आप लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बातें करते हो तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्या मतलब है कि यहाँ पे इस स्पेस में या इस पर्टिकुलर सरफेस एरिया में आपके पास कितनी फील्ड लाइन है कितनी फील्ड लाइंस है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो डायरेक्ट इंडिकेशन देता है वो देता है हमें डायरेक्ट फील्ड लाइंस का। और हम लोगों ने फील्ड लाइन फ्लक्स डिस्कस किया था कि फ्लक्स एक सरफेस के अंदर तभी क्रिएट होगा जब क्या होगा जब फील्ड लाइंस क्या करके जाएंगी उस सरफेस एरिया को क्रॉस करते हुए जाएंगी ना कि उसको स्लाइड करते हुए जाएंगी। तभी हम बोल पाएंगे कि हाँ इस सरफेस के अंदर क्या है एक फ्लक्स क्रिएट हो रहा है। तो फ्लक्स की डेफिनेशन अगर कोई बताना चाहे तो किस तरीके से बताओगे तुम लोग? नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ एरिया सरफेस एरिया पासिंग थ्रू द सरफेस द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस है ना। अगर तुम खुद से लिखना चाहो तो क्या लिखोगे द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस अपने नोटबुक्स में लिखो क्योंकि मैं थ्योरी नहीं लिखवाऊंगी। द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी सरफेस उसको हम लोग क्या बोलेंगे फ्लक्स। जैसे देखो ये सरफेस है इस सरफेस से 2 फील्ड लाइंस पास कर रही हैं और फ्लक्स को हम फाई से अगर मैं डिनोट करूं तो मैं बोल सकती हूँ इस सरफेस से कितने नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास कर रही हैं 2। तो मैंने बोला कि हाँ इसका फ्लक्स अभी कितना आ गया 2 आ गया। अगर मैं सिमिलरली क्या करूं इस एरिया को कुछ इस तरीके से रख दूं फील्ड लाइंस में तो अब देखो अब इस सरफेस एरिया से मेरी फ्लक्स लाइन कितनी पास करेंगी 0। क्यों ये फील्ड लाइन में एज इट इज रखा हुआ है तो यहाँ से जो फील्ड है वो इस तरीके से जा रही है। अगर मैं तुम्हें पेन टैब दिख रहा है तो इस मेरे पेन टैब से ये फील्ड लाइन इस तरीके से क्रॉस होते हुए जा रही है तो क्या हो जाएगी फ्लक्स 0। अगर फील्ड इस तरीके से जाए पैरेलल परपेंडिकुलरली तो मैं बोलूंगी यस देयर इज सम फ्लक्स। ठीक है अब बारी आती है फ्लक्स समझ आ गया अब बारी आएगी फ्लक्स किस किस चीजों पे डिपेंड करेगा। मैम कहीं कहीं मैंने एरिया वेक्टर देखा था ऐसे कहते हैं पासिंग थ्रू एन एरिया वेक्टर। वेट करो एरिया वेक्टर भी आएगा वेट करो एरिया वेक्टर बहुत अच्छे से समझाया जाएगा। तो अभी फिर उसके बाद क्या है देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस किन चीजों पे डिपेंड करेगा। ठीक है ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिसपे फ्लक्स डिपेंड करेगा। जैसे मैंने लास्ट टाइम एग्जाम्पल दिया था कंटेनर बड़ा कर दिया यानी अगर आपने किसी भी एरिया का सरफेस क्या कर दिया बड़ा कर दिया है ना। जैसे देखो अगर मैं सरफेस एरिया बड़ा कर देती हूँ तो मैं उस एरिया से नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो पास करेंगी वो उनकी पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी ज्यादा हो जाएगी। अगर सरफेस एरिया बड़ा है
अगर आपने एक किसी में सरफेस एरिया देखो, अगर मैं इसी की बात करूं, अगर ये फील्ड लाइंस हैं, ये स्टेट फील्ड लाइंस है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, इसमें मैंने अभी सिर्फ इतना सा एरिया लिया, ठीक है, इस एरिया से जो फील्ड लाइन, जो फील्ड्स हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, वो सिर्फ इतनी पास कर रही है, ठीक है, बट अभी इसी एरिया को, अभी मैंने देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो कॉन्स्टेंट है, इसी फील्ड में मैं काम कर रही हूँ, अभी मैंने क्या किया देखो, इसका सरफेस एरिया बड़ा कर दिया, ठीक है, बड़ा कर दिया, तो इस वाले सरफेस एरिया से जो मेरी फील्ड लाइन है वो क्या करेंगी, ज्यादा क्रॉस करेंगी, तो मैं क्या कह सकती हूँ कि जो मेरा सरफेस एरिया है उस पे भी जो फ्लक्स है कहीं ना कहीं डिपेंड कर रहा है, तो यहां से लिखोगे फ्लक्स इज डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पे भी डिपेंड करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की, सॉरी एरिया पे, इलेक्ट्रिक हमने एरिया बताया ना मैंने तुम्हें, एरिया पे, सरफेस एरिया पे डिपेंड करेगा, ठीक है। दूसरा अब हम क्या करें, मान लो अब दूसरा क्या करो, फील्ड लाइन, फील्ड लाइंस को अगर तुम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर ज्यादा कर दो, यानी फील्ड लाइन तुमने स्ट्रॉन्ग कर दी, ये तो फर्स्ट केस, अब सेकंड केस देखो, फील्ड लाइंस आपने बहुत स्ट्रॉन्ग कर दी, दैट मींस दे आर मोर डेंसर नाउ, राइट, तो अब ये बहुत डेंस हो गई। अभी दोनों एरिया के लिए बात करेंगे, जो ऊपर बनाया ए डैश बी डैश, अभी देखना बात है, अब जो चीज ज्यादा क्लोज आ गई, अब सरफेस एरिया चाहे कितना ही रख लो, अब देखो अगर स्मॉल एरिया जो पहले लिया था ए बी, देखो ये वाला एरिया जो ए बी एरिया था, उतना ही ए बी एरिया अगर अब ड्रॉ करूं, तो इसे देखो अगर इससे फील्ड लाइंस क्या हो गई, अब ज्यादा पास हो रही थी, पहले कितनी एक और दो, और अब देखो 1 2 3 4, अब फील्ड लाइंस क्या हो गई, अब ज्यादा क्रॉस कर गई, अब आपने क्या करा, एरिया उतना ही रखा जितना पहले था, बट आपने क्या करा, फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ा दी, तो फ्लक्स दूसरा किस पे डिपेंड करेगी, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, एरिया पे डिपेंड कर रही है और इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ पे डिपेंड कर रही है। अब देखो दो चीज, अब तुम्हें दो चीज समझ में आई, अब मैंने तुम्हें बताया था डायरेक्शन का भी कुछ रोल बताया था, कि अगर फैन है इधर रोटेट कर रहा है, बट उसके पीछे नई हवा जाएगी, तो वहां पे मुझे फ्लक्स कितना मिलेगा, जीरो मिलेगा। तो एक बार उस एरिया की बात कर लेते हैं, तुम यहाँ पे आराम से समझो, मान लीजिए कि यहाँ पे मेरा कोई एरिया वेक्टर है, सॉरी ये मेरा कोई सरफेस एरिया है, इस सरफेस एरिया से जो फील्ड लाइन, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो कुछ एंगल पे क्रॉस कर रही है, ठीक है, कुछ एक एंगल बना रही है, सपोज करो थीटा एंगल बना रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे ई थीटा से क्रॉस करते हुए जा रही है, तो अब देखो इस सरफेस एरिया पे इलेक्ट्रिक फील्ड के हमारे पास दो कंपोनेंट्स होंगे, एक तो ई कॉस थीटा होगा और एक होगा हमारे पास ई साइन थीटा। अब मुझे ये बताओ इन दोनों कंपोनेंट्स में से फ्लक्स बनाने में कौन सा कंपोनेंट इज यूजफुल फॉर अस? मैम ई कॉस थीटा। ई कॉस थीटा। व्हाई? मैम क्योंकि एंगल उसी के साथ बन रहा है, थीटा जो है एंगल उसी से क्रॉस कर रहा है, क्रॉसिंग भाई है, 90 डिग्री वो। देखो अब ये देखो, ये तुम्हारा सरफेस है, ठीक है, ये तुम्हारा, तुम्हें मेरा ये दिख रहा है, पैड दिख रहा है? यस मैम। यस मैम। तो देखो yes, अब ये, अब इसमें क्या हुआ, इसमें जो फील्ड लाइन है वो इस तरीके से एंगल बनाते हुए जा रही है, ठीक है, इस तरीके से एंगल बनाते हुए जा रही है कुछ, ठीक है। अब आपके पास दो कंपोनेंट है, एक तो ई साइन थीटा वाला कंपोनेंट जो कि इस तरीके से है, इस फील्ड के, इस सरफेस के ई साइन थीटा वाला कंपोनेंट इस तरीके से है, ई कॉस थीटा वाला कंपोनेंट इस तरीके से। तो ई कॉस थीटा वाला कंपोनेंट इस सरफेस के क्या है, परपेंडिकुलर है, इस वजह से कौन से फील्ड की, किस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आपका फ्लक्स बनेगा, ई कॉस थीटा की वजह से। दूसरा अब देखो, अब बात आती है आपके एरिया वेक्टर की,
अगर एरिया वेक्टर की मैं बात समझाऊं कि व्हाट इज एरिया वेक्टर, तो देखो एरिया वेक्टर क्या है और इसका फ्लक्स में हम लोग किस तरीके से यूज करते हैं वो देखो। सपोज करो यहाँ पे तुम्हारे पास एक कोऑर्डिनेट, एक एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, ठीक है। अभी एक्स वाई एक्सिस में तुम्हारे पास एक नॉर्मल, एक कोई भी एक रेक्टेंगल है, एक बार मैं तुम्हारी क्लास ज्वाइन कर लेती हूँ। अब मान लो तुम्हारे पास ये ए बी सी डी, ये तुम्हारे पास कोई भी स्क्वायर है या रेक्टेंगल, मान लो रेक्टेंगल है, ठीक है। इसकी लेंथ हमने मान ली कि लेंथ एल है और इसकी ब्रेथ क्या है बी। अब मैं तुमसे बोलूं कि इसका सरफेस एरिया, मुझे सरफेस एरिया बताओ इसका कितना होगा, मतलब एरिया कितना बताओगे तुम मुझे, लेंथ इंटू ब्रेथ बताओगे, और अगर साइड की फॉर्म में बताओगे तो लेंथ इसकी कितनी है सी डी क्रॉस BC. तो दिस इज, हाँ तो ये इसकी क्या है, ये तुमने निकाला सरफेस एरिया। अब मैं जहाँ पे वेक्टर की बात करूं, अगर ये तो एरिया हो गया, अब बात आए अगर एरिया वेक्टर की, देखो एरिया वेक्टर क्या है, जो तुम्हें सरफेस वेक्टर अगर लग रहा है इसका मतलब मैग्नीट्यूड भी दे रहा है, उसके साथ साथ डायरेक्शन भी दे रहा है, वेक्टर की डायरेक्शन मतलब वो सरफेस की डायरेक्शन भी और मैग्नीट्यूड भी। मैग्नीट्यूड कहाँ से मिलेगा मुझे, सरफेस एरिया से, जो अब तक तुम पढ़ते आए हो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ ये तुम अब तक पढ़ते आए हो। अब वेक्टर उसके साथ जुड़ गया, दैट मींस यहाँ पे एक डायरेक्शन जुड़ गई। तो किसी भी सरफेस का अगर तुम्हें वेक्टर लेना है, वो वेक्टर क्या होगा, उस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, यानी परपेंडिकुलर यानी रेडियली आउटवर्ड्स। जैसे अभी मैंने ये लैपटॉप स्क्रीन पे या मोबाइल स्क्रीन पे तुम्हें ये दिख रहा है एक रेक्टेंगल, अगर मैं इसकी बात करूं कि इसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा, तो ये कैसा होगा, टुवर्ड्स योर मतलब ये जो स्क्रीन से बाहर आता हुआ दिख रहा होगा, यानी आउटवर्ड फ्रॉम दिस प्लेन। ये मेरा जो लैपटॉप है, ये मान लो ये एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है, तो इसका जो एरिया वेक्टर कहाँ लाई करेगा, अवे फ्रॉम दिस एक्स वाई प्लेन, यानी परपेंडिकुलर। अब इस एक्स वाई प्लेन की परपेंडिकुलर कौन सा है, देखो अगर रिजल्टेंट भी अगर तुमने पढ़ा होगा, रिजल्टेंट आता है किसी भी दो क्रॉस प्रोडक्ट का, जब रिजल्टेंट आता है और वो दो वेक्टर्स होते हैं, तो उनका जो रिजल्टेंट आता है वो हमेशा उन दोनों वेक्टर के प्लेन के परपेंडिकुलर आता है। वेक्टर्स में पढ़ा होगा, कि उनका, हाँ जब भी दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लोगे तो वहां से जो रिजल्टेंट हमेशा निकल के आता है, दिस रिजल्टेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर to the plane of both of these vectors. तो ये एक वेक्टर देखो किसमें है, BC वेक्टर मेरा किस प्लेन में है, X प्लेन में, और ये वाला वेक्टर मेरा Y प्लेन में है। तो इन दोनों प्लेन के परपेंडिकुलर मेरे पास कौन सा प्लेन है बच्चों, Z प्लेन। तो हमेशा एरिया, हाँ Z वेक्टर। तो यहाँ पे मुझे एरिया वेक्टर मिलेगा, वो कहाँ मिलेगा, K कैप। तो ये हमेशा ये याद रखो कि जब भी किसी भी सरफेस का एरिया वेक्टर निकालना हो, तो एरिया वेक्टर हमेशा क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड्स होगा, मतलब आउटवर्ड्स वाला होना चाहिए। अब आपका आंसर हो सकता है कि मैम माइनस के कैप भी तो हो सकता है, क्योंकि मुझे तो परपेंडिकुलर वाला चाहिए। माइनस के कैप भी बोलोगे कि मैम के कैप की जगह मैं माइनस के कैप भी लेना चाहूँ, बट देखो हाँ ये हमेशा कौन सा वाला लेना है, माइनस के कैप कहाँ जाएगा, इनवर्ड्स वाला हमें कभी भी नहीं लेना है। एरिया वेक्टर हम हमेशा कौन सा लेंगे, रेडियली आउटवर्ड्स वाला एरिया लेंगे। और क्या होगा, पहला तो ये पॉइंट समझ में आया, दूसरा परपेंडिकुलर टू द सरफेस, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। मैं एक बार चार्ट कर,
चलो अब देखो, अगर मैं तुमसे पूछूं, यहीं पे इसी पेज पे पूछती हूँ कि मान लो मेरे पास एक ये स्फीयर है, ये स्फीयर है, इस स्फीयर का मुझे यहाँ पे मैंने एक छोटा सा डीएस एलिमेंट कट किया, इस डीएस एलिमेंट का अगर मुझे एरिया वेक्टर चाहिए तो बताओ कहाँ पे लूं? लेफ्ट और राइट? लेफ्ट कहाँ हो जाएगा? इनवर्ड्स, जो कि हम लोग नहीं ले सकते, यानी राइट यहाँ पे, एक यहाँ पे हो गया। यहाँ पे अगर मुझे लेना हो तो बताओ डीएस एलिमेंट सेकंड यहाँ पे कट किया, वन यहाँ पे था, उसका भी कहाँ होगा? अपवर्ड्स। और ऐसे ही देखो, अगर मैं किसका कट करती हूँ, एक सिलेंडर बनाते हैं यहाँ पे, और एक सिलेंडर बनाया, अब इस सिलेंडर के मेरे पास दो तीन सरफेस है, वन टू और एक ये तीन इज द रेक्टेंगल। अब देखो इस सर्कल का जो होगा, इसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा बच्चों? आउटवर्ड्स, लेफ्ट इनवर्ड्स में ले नहीं सकते, लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड, हां लेफ्ट साइड, यानी यहां पे। दिस इज द एरिया वेक्टर ऑफ दिस सरफेस, इसका एरिया वेक्टर आउटवर्ड्स, राइट साइड, राइट साइड, राइट साइड, रियली अपवर्ड्स, और इस वाले का सपोर्ट है अपवर्ड्स, अपवर्ड्स, इस तरीके से क्या है, तुम लोगों को एरिया वेक्टर हमेशा ध्यान रखना है। देखो एरिया वेक्टर का बेसिक यही है। अब तुम एरिया वेक्टर पे जब क्वेश्चन करोगे जेई के आए हुए, तो तुम देखोगे कि बेसिक से क्वेश्चन उठाए हैं, बट मुझे डेफिनेटली पता है तुम लोग कंफ्यूज हो गए, ठीक है, क्योंकि लास्ट क्लास में भी यही हुआ था। मैंने तुम्हें बस ये बेसिक है, यहीं से ही क्वेश्चन आएगा, लास्ट ईयर की पीवाई क्यू देखना, पर फिर भी तुम बच्चे लोग कंफ्यूज हो जाते हो, ठीक है। चलो अभी तो ये बेसिक क्वेश्चन है, इसका आंसर मुझे बताओ, दिस इज द बेसिक वन। माधव आया है आज क्लास में? माधव? यस मैम। माधव ठीक है मैम, क्वेश्चन बदलेगा, एक सेकंड, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड मैम, सी, ठीक है भाई, सबके सी आ रहे हैं मेरी, वेरी गुड, नाइस क्लास, वेरी गुड। क्या है भाई देखो, फ्लक्स किसके बराबर थी? हम लोगों ने देखा था ई ए के बराबर थी, और अगर डॉट प्रोडक्ट आ जाए तो ई ए कॉस थीटा के बराबर थी। तो ये था हमारा फ्लक्स की वैल्यू। बच्चों देख लो, जिसको ये फॉर्मूला नहीं था, तो फ्लक्स किसके बराबर आई थी? ई ए के बराबर। अब मुझे यहाँ पे फ्लक्स ही निकालनी है, मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर गिवन है, मुझे एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड गिवन है, ठीक है, मैग्नीट्यूड तो काम का है ही, और मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी काम किए। अगर सिर्फ 100 लिख दिया तो मतलब सिर्फ एरिया लिख दिया। अब मुझे चाहिए डायरेक्शन। देखो सरफेस एरिया कहाँ पे है? एक्स वाई प्लेन में, जो मैंने अभी तुम्हें यहाँ पे बनवाया, ये एक्स वाई प्लेन में है सरफेस एरिया, बट डायरेक्शन फिर कहाँ हो जाएगी इसकी? के कैप में। अब सिर्फ डॉट प्रोडक्ट करना तो तुम लोगों को बहुत आसानी से आता होगा, तो क्या आंसर आ गया? रूट थ्री इंटू 100, ठीक है, तो 1.73 2 into 100 equals to 173.2 is your flux. ठीक है, यूनिट क्या होगी भाई फ्लक्स की? इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या होगी? F equals to QE होती है, F की क्या हो गई? न्यूटन, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, हाँ वेरी, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, तो ये फ्लक्स की यूनिट है, ठीक है, बेसिक मतलब क्लियर है तुम्हारे। चलो अब ये क्वेश्चन है कि एक पॉइंट चार्ज है, वो एक स्क्वायर के कॉर्नर पे रखा हुआ है, ठीक है, ये स्क्वायर है और इसके कॉर्नर पे एक यहाँ पे क्यू चार्ज रखा हुआ है, आपको बताना है फाइंड द फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर, कि स्क्वायर से कितनी फ्लक्स पास करेगी। अपनी कॉपी के साइड में एक क्यू चार्ज रख के देखो, अपनी कॉपी के एक कॉर्नर पे क्यू चार्ज रख के देखो, और ये देखो कि वहां से जो फील्ड लाइंस निकलेंगी, क्या फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर होंगी या पैरेलल होंगी, या कुछ पैरेलल होंगी या कुछ परपेंडिकुलर, इमेजिन करो। मैम जीरो कॉर्नर पे,
जीरो बोलो मैम, थीटा इक्वल्स टू जीरो होगा। ओके देखो ये पॉइंट क्यू, ये जो चार्ज क्यू है वो जस्ट कॉर्नर पे रखा हुआ है, ठीक है, कॉर्नर पे रखा हुआ है, तो फील्ड लाइंस देखो किस तरीके से निकलेंगी। अगर मुझे यहाँ से फील्ड लाइंस को इमर्ज कराना है तो फील्ड लाइंस किस तरीके से इमर्ज होंगी, यहाँ पे फील्ड लाइंस इमर्ज होंगी इस तरीके से, यहाँ से तो ये सब परपेंडिकुलर, ये तो सब बाहर गई, ये सब चली गई बाहर। अब देखो जो यहाँ से पास करेंगी वो इस, जो तुम्हारी नोटबुक है उसके ऊपर से चली जाएंगी स्लाइड करते हुए, यानी इस तरीके से ऐसे, ये ऊपर से स्लाइड करते हुए चली गई, है ना, ये ऊपर से कैसे करते हुए चली गई, स्लाइड करते हुए, बट कोई भी फील्ड लाइन ऐसी नहीं होगी जो क्या करके हुए जाए, क्रॉस करते हुए जाए, नो फील्ड लाइंस विल क्रॉस द स्क्वायर, कोई भी फील्ड लाइन स्क्वायर को क्या नहीं करके जाएगी, क्रॉस करके नहीं जाएगी, इसलिए फ्लक्स की वैल्यू हमारे पास इस केस में क्या हो जाएगी, जीरो। जीरो। चलो अब देखो, ये देखो यहाँ पे तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स है एक्स एक्सिस में, तो तुम्हें बताना है कि नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम द सर्फेस, नेट फ्लक्स कितनी होगी, देखो सरफेस कितने हैं, एक क्यूब में कितने सरफेसेस होते हैं, सिक्स, इस पांचवे के पीछे की तरफ यानी छठा, ये छह सरफेस हो गए। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है एक्स एक्सिस, तो देखो कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं, मान लो ये वाला जो एक्सिस, ये वाला जो एक्सिस है ये एक्स एक्सिस है, ये वाला एक्सिस मान लो वाई है, और ये वाला एक्सिस मान लो जेड एक्सिस है, ठीक है, चलो एक्सेस भी बना दिए मैंने, अब एक बार ट्राई करो फ्लक्स की वैल्यू, हम जीरो, जीरो किस चीज की आ, जीरो किस चीज की आ रही है, एंड्रेस करो, प्रियांशी, नैन्सी, जतिन, नंदिनी, कन्हैया, मिथ की भी जीरो आ रही है। देखो यहाँ पे देखो क्या हुआ, अगर मैं सरफेस मैं सरफेस वन की बात करूं, सरफेस वन का जो यूनिट वेक्टर होगा, यानी यूनिट वेक्टर बोलो या एरिया वेक्टर बोलो, वो किस डायरेक्शन में होगा, परपेंडिकुलर यानी इस डायरेक्शन में होगा, है ना, और जो मेरी फील्ड लाइंस है वो किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में, और एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना बना, 90 डिग्री। तो मान लो फ्लक्स थ्रू सरफेस वन, सरफेस वन की वजह से जो मेरा फ्लक्स बन रहा है उसके बीच में जो एंगल है, देखो कितना बना, जो ई ए के बीच में जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा, 90 डिग्री के एंगल बनने की वजह से, इसकी वजह से फ्लक्स कितनी जाने वाली है, जीरो। सिमिलरली थ्री की वजह से फ्लक्स, फील्ड इधर और वेक्टर इधर, तो यहाँ पे भी एरिया वेक्टर आपका, ये फ्लक्स की वैल्यू कितनी होने वाली है, जीरो। देखो अगर तुम्हें एक्स एक्सिस भी देखनी है तो ये देखो ये एक्स एक्सिस और ये कौन सी एक्सिस है, जेड एक्सिस, एक्स और जेड में अगर तुम्हारा ये थर्ड सरफेस है तो इसका एरिया वेक्टर किसमें हो गया, वाई एक्सिस में, ठीक है, दिस इज द वाई एक्सिस ना, ये वाली, तो इसी में तुम्हारा एरिया वेक्टर और ये तुम्हारा, हाँ तो परपेंडिकुलर हो गई, तो इसमें क्या हो गया, जीरो। सिमिलरली फिफ्थ के लिए होगा, देखो फिफ्थ में क्या है तुम्हारा, सरफेस एरिया वाई और एक्स एक्सिस में, एक्स वाई एक्सिस में है, तो इसका एरिया वेक्टर जो बनेगा फिफ्थ सरफेस का वो किसमें बनेगा, के कैप में, यानी जेड डायरेक्शन में, राइट, तो जेड डायरेक्शन ये है और फील्ड की डायरेक्शन ये है यानी एक्स डायरेक्शन, और दोनों के बीच में एंगल कितना बन गया फिर, एरिया वेक्टर और फील्ड के बीच में 90 डिग्री, क्योंकि जो भी तुम्हारे ये कोऑर्डिनेट होते हैं एक्स वाई एक्सिस, ये एक दूसरे को कितने पे कट करते हैं, 90 डिग्री का ही तो एंगल बनाते हैं, तो एक्स और जेड के बीच में कितना एंगल होगा, 90 डिग्री, एक्स एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड और जेड डायरेक्शन में एरिया वेक्टर, तो एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक
फील्ड के बीच में डायरेक्शन एंगल 90 डिग्री. तो फिफ्थ के लिए भी कितनी हो गई भाई, फिफ्थ के लिए भी जीरो हो गई. सिमिलरली सिक्स के लिए भी जीरो हो जाएगी. अब देखो बचा हमारे पास सेकंड सरफेस और फोर्थ सरफेस. अरे मैंने सेकंड सरफेस को एक सेकंड के लिए कैसे जीरो कर दी, ये सेकंड नहीं होगा, ये फ्लक्स ये सरफेस थ्री था. ठीक है, सरफेस थ्री की वजह से जीरो हो गई. तो हमारे कौन कौन से सरफेस कवर हो गए, फर्स्ट सरफेस हो गया, थर्ड सरफेस कवर, फिफ्थ और सिक्स. कौन सा बचा, बचा सेकंड और फोर्थ. चलो अब एक बार सेकंड सरफेस का देखो, ई ए कॉस थीटा, ये फॉर्मूला है. इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में, ई एरिया वेक्टर भी इसका देखो किस डायरेक्शन में आएगा, आउटवर्ड्स. अगर जेड और वाई में एंगल है आपका, सरफेस एरिया है, तो इसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में आया, यानी नेगेटिव एक्सिस. और एरिया वेक्टर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉजिटिव एक्सिस. तो एंगल कितने का बन गया भाई, 180 डिग्री. तो कितना बना, माइनस ई. फोर्थ सरफेस के लिए देखो भाई, फोर्थ के लिए आउटवर्ड्स लेना है हमें एरिया वेक्टर. तो यहाँ पे एरिया वेक्टर आउटवर्ड्स और इलेक्ट्रिक फील्ड भी आउटवर्ड्स, दोनों के बीच में एंगल बना 0 डिग्री. फ्लक्स आया पॉजिटिव ई ए. अब जब नेट की बात हो रही है तो देखो एंटर कितना किया भाई, अगर एंटर की बात करें तो माइनस ई ए. जब लीव किया तो कितना आया, पॉजिटिव ई ए. तो नेट फ्लक्स कितना हो गया, दोनों का सारे फ्लक्स को कंबाइन कर दो, फ्लक्स वन की वजह से, टू की वजह से, थ्री फोर सिक्स, तो हमारे पास फ्लक्स आ गया जीरो. तो ये जीरो क्यों आया है, पहले ये देखो बच्चों जीरो क्यों आया है. नहीं नहीं सुनो, कॉन्सेप्ट समझो. ये तो कैलकुलेशन तुमने कर ली, कॉन्सेप्ट क्या है देखो. जीरो फ्लक्स क्यों आया, जीरो फ्लक्स इसलिए आया कि मान लो पानी में कंटेनर है, ठीक है, जो पानी का कंटेनर है उसमें क्या हुआ, एक तरफ से पानी आ रहा है और एक तरफ से पानी लीकेज है. इतना पानी आ रहा है, इतना ही पानी क्या हो गया, बाहर चला गया. अब मैंने क्या बताया था, फ्लक्स क्या है, मेजर करना कि मेरे पास उस कंटेनर में कितना पानी स्टोर है, राइट. जब पानी उस कंटेनर में स्टोर हुआ ही नहीं, जितना पानी आया उतना पानी बाहर चला गया, तो मेरे पास वाटर फ्लक्स कितना बचा, जीरो. सिमिलरली अगर आप यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखो, तुम्हारे पास जितनी फ्लक्स एंटर कर रही है एक सरफेस से दूसरे सरफेस से, उतनी ही फ्लक्स कहाँ जा रही है, बाहर जा रही है. जब फ्लक्स इनवर्ड्स इक्वल्स टू फ्लक्स आउटवर्ड्स हो, तब आपकी फ्लक्स की वैल्यू कितनी आएगी, जीरो. ये आपने नोटबुक में लिखो, जब जब इनवर्ड फ्लक्स आउटवर्ड फ्लक्स के बराबर हो तब तब फ्लक्स की वैल्यू आने वाली है जीरो. और वो कब आएगी, एक चीज और छोटा सा हिंट है, हो सकता है एग्जाम में हेल्प कर जाए. जब भी आपका कोई भी इनक्लोज्ड सरफेस हो, यानी 3D सरफेस हो, ठीक है, जब भी क्लोज्ड सरफेस हो और यूनिफॉर्म फील्ड में हो, उसका नेट फ्लक्स इज ऑलवेज जीरो. ये अपनी कॉपी में लिखो, अगर कभी भी जैसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और आपका वहां पे इनक्लोज्ड सरफेस रखा है, या फिर इंग्लिश में लिखो, अ इनक्लोज्ड सरफेस इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, सो द नेट फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम दिस सरफेस शुड बी ऑलवेज जीरो. हमेशा जीरो होगी 3D सरफेस के लिए, 3D यानी इनक्लोज सरफेस. यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, देखो यहाँ भी यूनिफॉर्म है ना, ई इक्वल्स टू ई नॉट, यूनिफॉर्म है. और ये क्यूब भी कैसा सरफेस है, 3D. जब भी यूनिफॉर्म फील्ड हो, 3D ऑब्जेक्ट हो, फ्लक्स नेट हमेशा जीरो आएगा, हमेशा. आंख बंद करके लिख देना, ठीक है, फ्लक्स नेट लिख देना जीरो. चलो बट फ्लक्स तो अब देखो पॉजिटिव डायरेक्शन में थी ना, किसी का माइक ऑन है, इसकी वजह से निकालो. मैम क्या बताया अभी, अभी मैंने बताया कि अगर यूनिफॉर्म फील्ड में आपका कोई भी इनक्लोज सरफेस रखा है, यानी 3D सरफेस. 3D सरफेस क्या होते हैं, सॉलिड स्फीयर, सॉलिड और आपका ये क्यूब, अगर ये रखे हैं और आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म है, तब फ्लक्स की नेट की वैल्यू अगर पूछी जाए तो हमेशा जीरो होगी, ठीक है, सॉल्व करने की जरूरत नहीं.
चलिए अब ये वाला सवाल करो। अब देखो यहाँ पे अगर ये पूछा है फाइंड आउट द फ्लक्स थ्रू द कर्व्ड सरफेस, है ना, कर्व्ड सरफेस से पूछा है। अगर यहाँ पे पूछ लेता फाइंड आउट द नेट फ्लक्स, तो यहाँ पे तुम आंख बंद करके क्या लिख देते, जीरो लिख देते, क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है, हेमिस्फेयर। तो हेमिस्फेयर भी कैसा ऑब्जेक्ट है भाई आपका, 3D? यस मैम, हेमिस्फेयर भी 3D ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे भी वो आउट जो आपकी इनकमिंग फ्लक्स इक्वल्स टू आउटकमिंग फ्लक्स की हो जाएगी और फ्लक्स की नेट वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो। बट क्वेश्चन में इन्होंने उल्टा पूछ लिया कि आपको पूछा है कर्व्ड सरफेस से, कैसे मान लो पहले तो फ्लक्स वो बनाते हैं, अच्छा मुझे हेमिस्फेयर का एक रियल लाइफ एग्जांपल दो कि हेमिस्फेयर किसकी तरह दिखता है, कटोरे, बाउल, बाउल की तरह, है ना, घर में जो बाउल होते हैं उसकी तरह। तो जो ये डैश डैश लाइन जो मैं बना रही हूँ इसका मतलब क्या है, दिस इज अ एम्प्टी स्पेस, और ये सॉलिड लाइन है, यहाँ पे हमारी क्या है, ये कटोरी है, ठीक है। तो अभी देखो फील्ड लाइन एंटर इस तरीके से करेंगी, एंटर कहाँ से करेंगी फील्ड लाइन, एम्प्टी स्पेस से। एम्प्टी स्पेस का जो फॉर्म है, ज्योमेट्री है, वो कौन सी है, सर्कुलर, राइट, एंटर करेंगी तुम्हारे कहाँ से, हाँ एंटर करेंगी तुम्हारे सर्कुलर सरफेस से। और अगर यूनिफॉर्म फील्ड है तो मैंने अभी बताया है फ्लक्स इन इक्वल्स टू फ्लक्स आउट, फ्लक्स इन तुम्हें पता ही है बहुत आसान है, ई डॉट ए करना है। अब एरिया वेक्टर इसका किस डायरेक्शन में होगा, आउटवर्ड्स डायरेक्शन में होगा, तो ई डॉट एरिया कितना हो जाएगा इसका, अगर रेडियस मान लेते हैं आर है, कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो ये तो इनवर्ड फ्लक्स है, ठीक है, इनवर्ड फ्लक्स यानी इधर ही आपकी ई की डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की। देखो अगर आपका आपके पास कोई कटोरी है वो इस डायरेक्शन में रखी हुई है, ठीक है, इसका इसकी जो वो होगी एरिया वेक्टर वो कहाँ होगा, आउटवर्ड इस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में, और फील्ड किधर है, अपोजिट डायरेक्शन में। तो इनवर्ड इनवर्ड फ्लक्स कैसी हो गई, नेगेटिव, और आउटवर्ड कैसी हो जाएगी, आउटवर्ड कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव, 2πr। तो हाँ नहीं नहीं अभी सिर्फ इसी की वजह से निकालेंगे, इनवर्ड्स की वजह से, जितना इनवर्ड से उतना ही आउटवर्ड, तो तुम डायरेक्ट लिख सकते हो कर्व सरफेस की वजह से कितना हो गई, माइनस ई पाई आर स्क्वायर, इतना भी लिख सकते हो, 2πr की जरूरत नहीं है, वो अलग केस होगा, ठीक है, ई माइनस ई पाई आर स्क्वायर, ठीक है। नेगेटिव क्यों आई, ये इसलिए आया ना क्योंकि अगर डायरेक्शंस देखो एरिया वेक्टर की और इलेक्ट्रिक फील्ड की तो अपोजिट है, ठीक है, एरिया वेक्टर की अगर कोई भी बाउल लो, कोई बाउल खुद लेके बैठो और उसमें जो स्पेस जो एम्प्टी वाला स्पेस है उसकी वजह से जो फील्ड लाइंस है वो इस डायरेक्शन में दिखेंगी तुम्हें, जो यहाँ पे कटोरी वाली तरफ, और जो उसका एरिया वेक्टर होगा उस सर्कल की वजह से, रिंग की वजह से, वो कहाँ होगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो उसका आउटवर्ड डायरेक्शन कहाँ पे लोगे, बाहर की तरफ, तो इसलिए जो इस फाई इन आया है वो कितना आया है, माइनस ई पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो दिस इज, आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी, अमर जी मैम जितना अंदर गई उतना ही तो बाहर निकल गई, तो हम जीरो नहीं होगा, जीरो नेट पूछा होता तो जीरो हो जाती, यस मैम नेट पूछा हो जाता जीरो हो जाती, पूछा क्या है कर्व्ड सरफेस की वजह से, ठीक है, पूछा क्या है कर्व्ड की वजह से, अगर नेट होता तो डेफिनेटली जीरो हो जाती। ये वाला लॉ नहीं लगेगा,
कि इनवर्ड इक्वल्स टू आउटवर्ड हो जाएगी, स्क्वायर में नहीं लगेगा ये लॉ। चलो आगे बढ़ते हैं, एक सेकेंड। हाँ ठीक है, यही होगी मैम। आप नेगेटिव की बात कर रहे हो, इनकमिंग इनकमिंग, ये स्क्वायर की पूछ रहे हैं ना बच्चे? यस मैम। ऐसा स्क्वायर, तो इसमें ये लॉ नहीं अप्लाई करोगे कि इनवर्ड इक्वल्स टू आउटवर्ड्स, नो दिस इज रॉन्ग। ये जो मैंने अभी लॉ बताया ये सिर्फ 3D ऑब्जेक्ट्स के लिए बताया है, इसमें यानी 3D होगा। इसके लिए क्या होगा? बस इनवर्ड इनवर्ड नहीं, इसमें तो फिर कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसमें नहीं होगा इनवर्ड इक्वल्स टू आउटवर्ड्स। मैम इसमें जो आएगा नेट वो पॉजिटिव आएगा ना हमेशा, इसमें ये इस वाले क्वेश्चन में फाइव इन पॉजिटिव आंसर। मैम स्क्वायर वाले में हमेशा पॉजिटिव आएगा ना, मतलब स्क्वायर वाले में देखो, स्क्वायर वाले के जब क्वेश्चंस करेंगे ना तब क्वेश्चन पे आइडिया लगेगा, ऐसे नहीं कह सकते कि पॉजिटिव आएगा। फिजिक्स में कभी भी ये कंडीशन तो लेके मत चलो कि जिस जिस जो डिफाइंड चीजें नहीं है उसके लिए मत डिफाइन करो चीजें। मैम स्क्वायर में तो एरिया वेक्टर पर डिपेंड करेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड के एरिया उस वेक्टर पर कि हमारा डायरेक्शंस पे डिपेंड करेगा, राइट। चलो अभी देखो, इससे पहले ये वाला सवाल करो, उसमें बाद में आएंगे। देखो इसमें पहला है, जो पहला जो तुम्हें दिख रहा है ये हेमिस्फीयर, इसमें फील्ड लाइन देखो किस तरीके से कट करते हुए जा रही है, परपेंडिकुलर यहाँ से, हाँ यहाँ से कट करा और यहाँ से फिर से ये बाहर चली गई, यहाँ से कट किया फिर यहाँ से बाहर चली गई, ये कट किया फिर बाहर चली गई। पूछा क्या है, व्हाट इज द फ्लक्स लिंक्ड विद द कर्व्ड सरफेस इफ द फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द कर्व्ड सरफेस एट एवरी पॉइंट। हर पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, फर्स्ट पे क्या हो जाएगी? जीरो जीरो हाँ, फर्स्ट पे क्या आ जाएगी? जीरो। इसका रीजन जितनी फ्लक्स होगी उतनी ही फ्लक्स क्या हो जाएगी, आउटवर्ड हो जाएगी। ये है ना, तुम्हें अभी जैसे पढ़ा था 3D ऑब्जेक्ट्स के लिए, तो वही है। अब देखो इसमें सबसे पहला तुम्हें हिंट कहाँ क्या मिला होगा, यहाँ से यूनिफॉर्म फील्ड से, ये पहला हिंट है तुम्हारा। अच्छा अब एक बार दूसरी पे आओ, दूसरे पे देखो, दूसरे पे क्या होगा, पहले वाली की तरह होगी जो पिछले क्वेश्चन में हुई थी। दूसरा वाला पहले की तरह हो गई कि यहाँ से एंटर करती है, तो यहाँ पे देखो किस पे पूछा है, सिर्फ हमें कर्व्ड सरफेस पे पूछी है ना, ई नेट नहीं पूछा। अगर ई नेट पूछता तो सबके लिए जीरो हो जाती, कर्व्ड सरफेस पे पूछी है। तो कर्व्ड सरफेस पे इसके लिए निकालो इस तरीके से, सेकंड का क्या बनेगा जो अभी तक हम लोगों ने करी है, क्या ई पाई आर स्क्वायर, ठीक है, माइनस आउटवर्ड्स तो पॉजिटिव हो जाएगी ना, इसका एरिया वेक्टर तो इधर ही आएगा ना कर्व्ड सरफेस के लिए, ठीक है। अब इस सर्कल का एरिया वेक्टर इधर जाता आउटवर्ड, इसलिए इनवर्ड्स क्या थी नेगेटिव, आउटवर्ड्स क्या हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। समझ आया इनवर्ड आउटवर्ड पॉजिटिव का? मैम इस पे पता कैसे इनवर्ड पूछ रखा है आउटवर्ड, इसमें इसमें पूछा है तुमसे कर्व्ड सरफेस के लिए बताना है, तो आउटवर्ड लेना है इनवर्ड लेना माइनस प्लस फिर पता नहीं चलेगा। वही तो बता रही हूँ, वो एरिया वेक्टर से देखोगे ना, देखो देखो यहाँ पे ध्यान से, मैंने क्या किया, इनवर्ड फ्लक्स इक्वल्स टू आउटवर्ड फ्लक्स होती है मैग्नीट्यूड से। यस मैम। अब ये तुम्हारा जो है ये सर्कुलर वाला रिंग वाला पोर्शन है, इसके लिए देखो एरिया वेक्टर तो तुम्हें ऑलरेडी गिवन है ना, देखो बताने की जरूरत नहीं पड़ी यहाँ, तो एरिया वेक्टर ये गिवन है इसका, एन वेक्टर, फील्ड लाइंस ये हैं, तो इनवर्ड फ्लक्स तो ऑब्वियसली क्या हो गई, तुम अब खुद देख लो 180 डिग्री का एंगल है, तो फ्लक्स इनवर्ड नेगेटिव पाई आर स्क्वायर हो गई। यस मैम। देख लो नेगेटिव पाई आर स्क्वायर हो गई। अब यहाँ पे है तुम्हारे पास एक ये वाला ऑब्जेक्ट, इसके लिए क्या होगा, हर पॉइंट पे जब तुम एरिया वेक्टर निकालोगे उसके परपेंडिकुलर होगा, तो इसके लिए एरिया वेक्टर यहाँ, एरिया वेक्टर यहाँ, एरिया वेक्टर यहाँ, और यही तुम्हारी फील्ड लाइंस है, यही एरिया वेक्टर और यही फील्ड लाइंस। तो अब मैग्नीट्यूड तो देखो उतना ही रहेगा जितना तुम्हारा ई पाई आर स्क्वायर है, क्योंकि एंटर इसी एरिया से कर रहा है इस, भाई जो इधर एरिया से गई वो तो काउंट ही नहीं हुई ना, जो इस एरिया के अंदर गई वही काउंट हुई, तो इस सरफेस का एरिया कितना है पाई आर स्क्वायर, और फील्ड कितनी पास करेगी ई, तो ये तुम्हें मैग्नीट्यूड मिल गया।
अब तुम्हें पता है जब इस कर्व सरफेस के लिए एरिया वेक्टर बाहर है तो तुम क्या लगाओगे, पॉजिटिव का ही तो साइन लगाओगे। नेगेटिव किसके लिए हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी इस वाले सरफेस के लिए, ये सर्कुलर सरफेस के लिए, ठीक है। इस वजह से पता चला कि नेगेटिव और पॉजिटिव क्या है। चलो अब तीसरे के लिए बता दो, 2πr2। अब देखो तीसरे की वजह से, देखो बच्चों अब इलेक्ट्रिक फील्ड देखो हर पॉइंट पे परपेंडिकुलर है इस वाले कर्व्ड सरफेस पे, एंटर नहीं कर रही वो यहाँ से, सर्कल से एंटर ही नहीं कर रही है। खुद देखो ये जो तुम्हारा सर्कुलर एरिया है जिसका अभी तक हम एरिया यूज करते आए थे, वहां पे अभी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एंटर नहीं कर रही। अब क्या है, इसके पॉइंट पे परपेंडिकुलर है, कुछ इस तरीके से है, ये रही, हर पॉइंट पे परपेंडिकुलर है। अब तुम्हें एरिया किसका चाहिए होगा, इस हेमिस्फीयर का एरिया चाहिए होगा, इस हेमिस्फीयर का एरिया चाहिए। तो थर्ड केस देखो क्या हो जाएगा, हेमिस्फीयर का एरिया इंटू ए, एरिया वेक्टर तो हमेशा देखो उसी डायरेक्शन में है तो कॉस 0 डिग्री बनेगा, E is A, एरिया कितना हो जाएगा हेमिस्फीयर का 2πr2। तो अब इस केस में 2πr2 लेके चलो, तो ये सारे केसेस हैं जो भी बनते हैं हेमिस्फीयर के, वो यहाँ पे सॉल्व हो गए हमारे, ठीक है। चलो अब ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मैम हम कर्व्ड सरफेस एरिया सर्कल वाले पोर्शन को लेते हैं या हेमिस्फेरिकल वाले को लेते हैं, किसके लिए बोलो, कर्व्ड सरफेस एरिया हम सर्कुलर लेते हैं या फिर हेमिस्फेरिकल लेते हैं, वो आपको देखनी पड़ेगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस और ऑप्शन। अब जो थर्ड वाला था उसमें तुम जो सर्कुलर वाला सरफेस है उसका एरिया नहीं ले सकती, क्यों, क्योंकि वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर ही नहीं कर रही है, है ना। वो कब ले सकती हो, जैसे सेकंड में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर कर रही हैं, देखो अगर मैं यहाँ से रब करूं, देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तुम्हें दिख रही होंगी, कहाँ से एंटर कर रही है, सरफेस सर्कुलर वाले सरफेस से एंटर कर रही है, तब वहां पे तुम सर्कुलर रिंग का एरिया ले सकती हो, बट तीसरे वाले में नहीं ले सकती, क्यों, क्योंकि वहां पे तुम्हें दिख रहा है कि सरफेस एरिया जो है सर्कुलर, वहां से फील्ड लाइंस एंटर नहीं कर रही है, इसलिए तुमने एरिया लिया कर्व्ड सरफेस का, ठीक है। चलिए अब सॉल्व करिए ये वाला सवाल। मैम 0, हाँ सभी सरफेसेस का मिला के तो 0, वेरी गुड। तो देखो इतना बड़ा क्वेश्चन अगर एग्जाम में दे देता जेई, अगर तुम्हें नहीं पता होता वो तो तुम लोग सब सॉल्व करने बैठ जाते, पर सॉल्व तो तुम अभी भी करोगे, सॉल्व तो अभी भी करोगे, पर बट मुझे इंडिविजुअल सरफेसेस के लिए, मैं जिससे पूछूं वो मुझे बताएगा इंडिविजुअल सरफेसेस के लिए, ठीक है। ओके मैम, अभी हटाया 5 मिनट पहले, अभी हटाया। अब बताओ मुझे एक बार, जतिन बताएगा, जतिन सरफेस अफेक्ट के लिए बताइए कि क्या हो जाएगा, कौन सी सर्फेस के लिए, सरफेस फिफ्थ के लिए, फिफ्थ के लिए 0 तो नहीं होगा, 0 होगा ना सरफेस फिफ्थ के लिए, सॉरी यस, सिर्फ देखो ये सरफेस कौन सा है, फ्रंट वाला है कि बॉटम वाला है, फ्रंट मैम, फ्रंट वाला, तो फ्रंट वाला है ना, तो फ्रंट के लिए एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में थोड़ी है। मैम मैं आए, मैम मैं बताऊं कौन है, व्योम, देखो एक बार इसको ना मैं एक बार मैं इसको सभी स्टूडेंट्स को सॉल्व कराऊंगी, ऐसे नहीं होगा ये, देखो
अगर मैं बात करूं फ्लक्स सरफेस सेकंड के लिए, ठीक है। अब सरफेस सेकंड के लिए देखो, देखो जो सरफेस सेकंड है अगर मैं उसकी बात करूं, इसका जो एरिया है वो किस डायरेक्शन में है, देखो एक तो आपके पास एक्स और वाई एक्सिस टॉप पे, ये है तुम्हारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है, सरफेस एरिया। तो इसका आपका वेक्टर किस में मिलेगा, एरिया वेक्टर जेड कैप में। फील्ड की डायरेक्शन कहाँ पे है, देखो फील्ड की डायरेक्शन है, इसमें बोला है फील्ड की डायरेक्शन जो है वो आपकी 37 डिग्री मेजर्ड फ्रॉम द एक्स एक्सिस टुवर्ड्स द वाई एक्सिस। तो अगर ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो यहाँ से अगर एंगल लोगे तो दिस एंगल विल बी 37 डिग्री, ठीक है। तो ये एंगल कितना हुआ 37 डिग्री इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स एक्सिस के साथ। अब मेरा जो एरिया वेक्टर है फोर सरफेस टू वो है के कैप में। इलेक्ट्रिक फील्ड और के कैप यानी ये कितने डिग्री का एंगल बनाएंगे, 90 डिग्री का। तो सरफेस सेकंड के लिए जो फ्लक्स की वैल्यू है वो कितनी आने वाली है, जीरो। वही तुम्हारा जो इसके जस्ट बिलो वाला सरफेस होगा बॉटम वाला S4, क्योंकि वो भी किस डायरेक्शन में है, देखो एक्स वाई डायरेक्शन में है, ये रहा एक्स और वाई एक्सिस में। देखो फ्लक्स ड्यू टू सरफेस फोर की अगर बात करें तो ये किस किस के बीच में है, एक्स और वाई, इसका भी एरिया वेक्टर के कैप में बनेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड है मेरी एक्स वाई प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में फील्ड है तो उसके के कैप क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो इसके लिए भी फ्लक्स कितनी बनने वाली है, जीरो। अब आ जाओ सरफेस वन पे। सरफेस वन जो है वो किस प्लेन में है, देखो जेड और एक्स प्लेन में, जेड एक्स प्लेन में है। एरिया वेक्टर कहाँ बनेगा, डायरेक्शन में तुम्हारा बनेगा एरिया वेक्टर फोर सरफेस वन, ठीक है। अब तुम्हें देखो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में डायरेक्शंस चाहिए ना, ई ए जो चाहिए वो कॉस थीटा किसके बीच में है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर ये रहा यहाँ पे और इलेक्ट्रिक फील्ड ये रहा, दिस एंगल विल बी 90 डिग्री। तो कितना एंगल आया, देखो कॉस 90 प्लस ये कितना एंगल है 37। बताओ समझ में आया। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखो यहाँ तो यूनिफॉर्म गिवन है, अगर नॉन यूनिफॉर्म हो जाती, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल दे देते कुछ भी ई नॉट एक्स करके दे देते और आंसर फिर ई नॉट एक्स में मांग लेते तो वहां पे देखो जीरो नहीं होती फिर, है ना। तो इसी वजह से ये कॉन्सेप्ट जरूरी है। ये कितना है देखो 37 डिग्री और ये एंगल कितना बना 90 डिग्री, तो कितना बना कॉस 90 डिग्री प्लस 37। सॉल्व कर लोगे 90 डिग्री पे कॉस चेंज हो जाएगा कितना, ई ए साइन 37। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, नेगेटिव। तो ये आया एस वन। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सबको आते हैं, पहले मुझे हैंड रेज करो, सभी को आते हैं, चेंज करना 90 पे, वेरी गुड, ठीक है भाई सबको आते हैं ना। चलो जिसको नहीं आते वो करो एक बार, वो थम्स डाउन करो जिसे नहीं आते। थम्स डाउन अब कर रहे हो, सभी को आते हैं, ठीक है। तो देखो जब 90 और 270 पे क्या होंगे, एंगल्स चेंज हो जाते हैं। 90 पे चेंज करोगे कॉस किस में चेंज होगा, साइन में, एंगल कितना रहेगा 37। साइन आता है जिसके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज कर रहे हो यानी कॉस। अब आ जाओ किस पे, इसके अपोजिट वाले पे यानी एस थ्री। अब एस थ्री देखो किस प्लेन में है, एस थ्री का प्लेन क्या है, ये हो गया जेड वाला
और ये वाला हो गया x वाला, तो z x प्लेन है वही z x प्लेन हो गया। एरिया वेक्टर कहाँ जाएगा भाई, प्लस y डायरेक्शन में, प्लस y। तो देखो इसका प्लस y ये रहा और एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में। Yes, और इलेक्ट्रिक फील्ड x एक्सिस से एंगल बना रही है कितना 37 डिग्री। तो तुम्हें चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में डायरेक्ट एंगल, तो ये एंगल कितना हो जाएगा बताओ, इस एंगल, मुझे तो ये एंगल चाहिए ना थीटा, थीटा कितना होगा 90 माइनस 37 डिग्री, ये भी इतना होगा ना, क्योंकि टोटल 90 डिग्री बनाएगा x एक्सिस और y एक्सिस, ये 37, तो ये कितना हो गया 53 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल कितना आया EA साइन 53 डिग्री, ठीक है। अब ऐसे ही आप किसके निकाल लोगे, S5, तो S5 का निकाल लोगे, S5 का बताओ कितना आएगा, चलो एक्स वाई, S5 का प्लेन बताओ कौन सा है एरिया वेक्टर के कैप बनेगा, थीटा बता दो मुझे एक बार, थीटा कैलकुलेट करके बता दो इसी तरीके से एक बार, थीटा कैलकुलेट करके बताओ कितना आएगा एंगल, ये x एक्सिस में जाएगा इसका एंगल n वेक्टर, और e में कितना है ये एंगल 37 ही आएगा, मतलब कितना एंगल आया 37 डिग्री। हाँ अंकिता बोलो, ठीक है भाई, सबका एंगल आ गया कितना एंगल 37 डिग्री। देखो जेड वाई प्लेन है, जेड वाई प्लेन का एरिया वेक्टर कहाँ बनेगा, एक्स डायरेक्शन में, और मुझे एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल चाहिए विच इज 37 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे ये कितना आ गया 37 डिग्री ई। तो इस तरीके से जब टोटल सॉल्व करोगे सारे कट के कितना आंसर दे देंगे, जीरो। चलो हो गया ये वाला, मैम आगे बढ़ते हैं। मैम हाँ मैम, हम इसे ऐसे भी सोच सकते थे क्या, कैसे मैम, जैसे पैर वाले को दिखाना मैम, जैसे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के 37 डिग्री पे रहे ना, मतलब सॉरी हाँ तो मैम हम उसे ऐसे भी देख सकते हैं ना कि हम जो जो सरफेस के परपेंडिकुलर है वो सिर्फ ई कॉस 37 है, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्लोज सरफेस है, तो ओवरऑल जीरो आएगा। ये तो हमने पहले ही बोल दिया था, बहुत बच्चों ने बता दिया था कि ओवरऑल तो मैम जीरो आएगी, बट ये मैंने इसलिए कराया है कि तुम लोग थीटा निकाल पाओ। अगर मान लो ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से दे देते कि वेरिएबल होता, यानी ई नॉट एक्स पे डिपेंडेंट होता, ठीक है, तब हाँ, इस वजह से मैंने बताया कि तुम लोग थीटा को आइडेंटिफाई कर पाओ जब क्यूब की वैल्यू, तब जब क्यूब आए, है ना। हो सकता है इस तरीके का क्वेश्चन अगली बार बन जाए कि थीटास में चेंजेस आ जाएं और तुम्हें थीटा फाइंड करना पड़े, तो वो इम्पोर्टेंट है, इसलिए कराया। अब देखो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अभी तो यूनिफॉर्म के लिए सीखी, अभी नॉन यूनिफॉर्म के लिए सीखो, अगर नॉन यूनिफॉर्म हो और अभी हमने पढ़ा है फ्लक्स इक्वल्स टू और इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, तो कैसे निकालूंगी, पहले मैं इस छोटे से एरिया के लिए निकालूंगी डी फाई विच इज इक्वल टू ई डी ए, और उसको क्या करूंगी इंटीग्रेट करती जाऊंगी, तो उससे मुझे क्या मिल जाएगा, फ्लक्स मिल जाएगा। तो नॉन यूनिफॉर्म के लिए हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है, डी फाई इक्वल टू ई डॉट ए विच गिव्स यू फ्लक्स, कंप्लीट सरफेस एरिया का क्या कर दोगे इंटीग्रेशन, ठीक है। क्लोज सरफेस के लिए अब देखो, अब ये वाला क्वेश्चन है, इसमें देखो नॉन यूनिफॉर्म है, एक्स पे वेरिएबल है फील्ड, अब यहाँ पे सॉल्व करो क्वेश्चन,
चलो फिर फटाफट गॉस लॉ से भी हमें फ्लक्स निकालनी सीखनी है। ये वेरिएबल है ना, एक्स पे वेरी कर रही है फील्ड, देखो ई नॉट एक्स स्क्वायर पे। देखो कोई बात नहीं जिन सरफेसेस के लिए जीरो हो रही है वो सरफेसेस तो पता ही है जिनके लिए जीरो हो जाएगी, यानी ये वाला सरफेस इसके लिए जीरो और ये बीच वाला और ये वाला सरफेस और इसके अपोजिट वाला सरफेस, उन चारों की वजह से तो फील्ड जीरो होने वाली है क्योंकि एरिया वेक्टर और उनके बीच के डायरेक्शंस को हम लोगों ने देख लिए किस सरफेस इसके लिए निकलेंगी किसके लिए नहीं। बट देखो ये वाला जो सरफेस है फर्स्ट और ये जो सरफेस है सेकंड, इसके लिए तो निकलेंगी। फर्स्ट सरफेस के लिए देखो ये कॉस थीटा, एंगल क्या रहेगा भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी आई डायरेक्शन में है और इसका एरिया वेक्टर हमारा इस वाले डायरेक्शन में, यानी अभी एंगल बनेगा कॉस 180 डिग्री। ठीक है, इतना आप लोग सीख चुके हो। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू देखो क्या है, ई नॉट एक्स स्क्वायर, यानी एक्स कोऑर्डिनेट पे डिपेंड है। एरिया की वैल्यू, एरिया माइनस लगा दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो ये सरफेस है, मैं इस सरफेस की बात कर रही हूँ ना भाई, क्यूब किससे मिलके बना है, सिक्स रेक्टेंगल से मिलके बना है या छह स्क्वायर से मिलके बना है, तो एरिया देखो कितना हो जाएगा, अगर एक की क्यूब ए है तो एरिया कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर इस सरफेस का, सरफेस वन का एरिया, सॉरी एक्स स्क्वायर, एक्स एरिया क्या हो गया, ए स्क्वायर। ठीक है, अब देखो एक्स कोऑर्डिनेट यानी यहां से यहां तक का कोऑर्डिनेट कितना हुआ, एक्स की वैल्यू ये सरफेस पे जब यहाँ पहुंचे तो कितना वैल्यू तुम ट्रेवल करे, टू ए, तो यहाँ पे जो एक्स कोऑर्डिनेट हो गए वो कितना हो गया, टू स्क्वायर हो गया, टू ए का स्क्वायर, और एरिया कितना हो गया, ए का स्क्वायर। तो देखो कितना आया, माइनस फोर ई नॉट ए का फोर। इस तरीके से कोऑर्डिनेट्स लिखने होंगे जब एक्स पे वैल्यू वेरी करेगी कि कितना कोऑर्डिनेट है। अब देखो सेकंड सरफेस के लिए, हाँ बोलो मैम, ये लास्ट वाला पॉइंट समझा दो फिर से। देखो यहाँ पे मैं बता रही हूँ, देखो यहाँ पे देखो, अब इस क्यूब को हम लोगों ने किस में तोड़ लिया था, एक छह सरफेसेस में तोड़ लिया था, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, और ये जो छह सरफेसेस हैं ये क्या है, ये है हमारे पास स्क्वायर, इसका एरिया कितना है, एक एक लेंथ का एरिया मुझे, एक लेंथ जो गिवन है वो कितनी गिवन है, ए सेंटीमीटर या ए मीटर्स जो भी है। ठीक है, अब देखो जब मैंने एरिया लिखा तो मैंने किसका लिखा, स्क्वायर का, विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंडेंट है ई नॉट एक्स स्क्वायर पे। अब क्यूब तुम्हारे ओरिजिन से कितना दूर रखा हुआ है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड भाई वेरी कर रही है ना एक्स डायरेक्शन में, यहां से यहां तक एक्स पे, तो यानी तुम जितना दूर जाते जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी स्ट्रांग होती जाएगी, एक्स स्क्वायर पे डिपेंडेंट है। देखो टू की पावर, अब एक्स की वैल्यू देखो कितना है, ओरिजिन से लेके यहां तक टू ए, तो वही तुमने एक्स की जगह वैल्यू पुट कर दी, विच इज इक्वल टू टू ए। ठीक है, एक्स की वैल्यू पुट कर दी तुमने 2a, तो कितना आ गया, माइनस फोर ई नॉट पावर ए फोर। अब मुझे फ्लक्स सेकंड बताओ, एंगल तो चलो जीरो डिग्री बताइए सबको, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बताओ, एरिया भी सेम रहेगा। अब देखो एरिया, हाँ वेरी गुड वेरी गुड, हाँ राइट, अगर मैं एरिया की बात करूँ सभी बच्चों देखो यहाँ पे ध्यान से, जिन्हें जिन्हें समझ नहीं आ रहा है, अब मुझे एरिया की वैल्यू रखनी है बच्चों, है ना, तो एरिया कितना हो जाएगा, देखो क्यूब है तो सारे स्क्वायर्स हैं, सबकी साइड ए है तो यहाँ पे भी एरिया, सेकंड सरफेस के लिए भी क्या रहने वाला है, ए स्क्वायर, कॉस जीरो मतलब साइन सेम। अब बात आई एक्स कोऑर्डिनेट की सेकंड सरफेस के लिए, तो देखो यहाँ तक तो टू ए था, अब ए ए ए ये वाला डिस्टेंस भी एड हो गया, तो टू ए प्लस दिस ए,
कितना हो गया मेरे पास ओरिजिन से लेके यहाँ तक के डिस्टेंस p नॉट 3 a स्क्वायर व्हिच इज इक्वल्स टू 9 e नॉट a टू 4. अब देखो यहाँ पे जो फ्लक्स नेट आया वो आपके पास कुछ ना कुछ वैल्यू आई यानी 5 e नॉट a 4 ये वैल्यू ठीक है दिस वैल्यू यस मैम. अच्छा बीओ थ्री में से अच्छा मुझे एक बार बताओ बीओ थ्री में से कौन कौन से ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अभी जो लाल अभी ये संडे को जो टेस्ट हुआ था ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला टेस्ट दिया है. मैम दिल्ली वाले स्टूडेंट का टेस्ट नहीं था. मैम दिल्ली और हिमाचल वालों का नहीं था ना. हिमाचल वालों का भी नहीं था. मैम उत्तराखंड का उत्तराखंड वालों का था. अभी जो बच्चे प्रेजेंट है उनमें से किस किस ने दिया है बताओ. सिर्फ चार बच्चों ने दिया है. नैंसी तुमने भी दिया है क्या. नो मैम गलती से हो गया था. अच्छा तो गौतम अमरजीत प्रियांशी और ये चार पांच बच्चों ने दिया है. अच्छा कैसा रहा टेस्ट अमरजीत टेस्ट कैसा रहा. मैम सही था. तुम लोग तो सेकंड टाइम रिवीजन कर रहे हो ना. यस मैम. तो फिर तो क्या स्कोर. चलिए ठीक है स्कोर की बात में करेंगे. टेस्ट ओवरऑल सही था ना. यस मैम. ठीक है तो क्लास में जो प्रिपरेशन हो रही है और जो टेस्ट में क्वेश्चंस आए उनमें कितनी अलाइनमेंट थी. मैम एक जैसा ही था लगभग. अच्छा एक जैसा ही था. यस मैम सेम थे क्वेश्चन. नहीं क्वेश्चंस तो सेम नहीं हो सकते क्योंकि टेस्ट तो मैंने नहीं बनाया. मैम थे सेम क्वेश्चन हमने किया. रियली. यस मैम. तो हो सकता है हम लोग एकदम जेई के उससे ज्यादा ही अलाइन कर रहे हैं कुछ. चलिए अब आ जाओ गॉस लॉ पे. देखो अब गॉस ने क्या बोला कि फ्लक्स निकालने का एक और इजी तरीका है जिससे तुम लोग फ्लक्स कैलकुलेट कर सकते हो. वो हमें एक लॉ किसने दे दिया. गॉस ने. देखो गॉस ने क्या लॉ दिया. द टर्म क्यू इनक्लोज्ड एक सेकेंड. हाँ ये इक्वेशन दी. अभी तक आप लोग पढ़ते आ रहे हो कि फ्लक्स है इसके बराबर. अब इसने क्या बोला कि फ्लक्स है क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर. क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट यानी द टर्म क्यू इनक्लोज्ड ऑन द राइट साइड ऑफ द गॉस लॉ इक्वेशन ऑफ ऑल चार्जेस इनक्लोज्ड बाय द सरफेसेस. इसका मतलब क्या है. क्यू इनक्लोज क्या है कि कोई भी सरफेस है मान लो. ठीक है कोई भी इनक्लोज सरफेस है. याद रखना कौन सी सरफेस है. इनक्लोज 2D नहीं है 3D सरफेस है. कोई भी 3D सरफेस है और उसके अंदर चार्जेस हैं और तुम्हें निकालनी है कि उस सरफेस पे फ्लक्स कितनी एसोसिएटेड है. तो तुम्हें क्या करना है उस सरफेस के अंदर जितने भी टोटल चार्जेस हैं उस सरफेस के अंदर जितने भी टोटल चार्जेस हैं उसको डिवाइड कर दो इससे एप्सिलॉन नॉट से. तो तुम्हें क्या मिल जाएगा फ्लक्स की वैल्यू. जैसे कि देखो अब इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंक्लूडेड होगी अगर क्वेश्चन आता है इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इंक्लूडेड है वो किस चार्जेस की वजह से है कि ये सरफेस है मान लो ये कोई भी सरफेस है क्लोज सरफेस. यहाँ पे Q1 चार्जेस है ये Q2 चार्ज है और यहाँ पे Q3 चार्ज है और यहाँ पे Q4 चार्ज है. अगर फ्लक्स की बात करो तो क्यू इनक्लोज्ड यानी इनक्लोज्ड कौन कौन से हैं Q1 और Q2. तो फ्लक्स गॉस लॉ की वजह से आएगा Q1 और Q2 की वजह से बाय एप्सिलॉन नॉट. बट अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करोगे तो इस फॉर्मूले में इस तरीके से डिजाइन है कि जो आसपास के चार्जेस जो इंक्लूडेड हैं जो आसपास के चार्जेस हैं उनकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वाले चार्जेस भी क्या होंगे उन चार्जेस की वजह से भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी इंक्लूडेड होगी. The electric field is due to all the charges both inside and outside the surface. ठीक है ये देखो ये लाइन अपनी कॉपी में स्टार मार्क करके लिखो क्योंकि हो सकता है थ्योरी में क्वेश्चन आ जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है गॉस लॉ में सिर्फ कंट्रीब्यूट करती है इनसाइड वाले चार्जेस या आउटसाइड वाले भी. तो ये गॉस लॉ इस ब्यूटीफुल लॉ है इसने इस तरीके से डिजाइन किया है
कि अगर आपको यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है ये ई डॉट डी एस करके, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी बच्चों सिर्फ उन्हीं चार्जेस की वजह से नहीं आएगी जो इनसाइड है, ये जो चार्जेस हैं ये जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में उसका ई नेट आएगा, ठीक है ये याद रखना। आगे बढ़ो, जैसे इसने बताया हुआ है कि सरफेस के लिए क्यू इनक्लोज कितना हो जाएगा क्यू वन माइनस क्यू टू, अगर कोई चार्ज नेगेटिव है तो उसको कैसे ऐड करोगे, स्केलरली ऐड करते हैं, ठीक है चार्जेस हमेशा कैसे ऐड होते हैं स्केलर फॉर्म में, तो क्यू वन माइनस क्यू टू करा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है किसकी वजह से होगी सारे चार्जेस की वजह से होगी, तो ये है तुम्हारा गॉस लॉ। याद रखना फर्स्ट पहली चीज कि इनक्लोज्ड सरफेस के लिए ही वैलिड है, टू डी सरफेसेस बना दोगे उसके लिए गॉस लॉ कोई वैलिड नहीं है, ठीक है चलो। अब देखो गॉसियन सरफेस क्या, बोलो जो लास्ट लाइन मैम एक बार स्लाइड पीछे कर दो मुझे सबसे नीचे वाले, ये सर ये तुम्हें इसी वाली स्लाइड पे, हाँ Yes. अब देखो हाँ तो ये हो गए गॉस लॉ। अब देखो गॉस ने क्या बोला कि अगर तुम्हें कोई इनक्लोज्ड सरफेस नहीं मिल रहा है तो तुम एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस बना दो, ठीक है उसने क्या बोला, अगर तुम्हें कोई गॉस मतलब अगर तुम्हें फील्ड निकालनी है और आपके पास कोई ऐसा सरफेस नहीं है इनक्लोज सरफेस, तो तुम क्या करो, मैंने तुम्हें गॉसियन सरफेस भी दे दिया, तुम गॉसियन सरफेस बना लो और तब उस इस लॉ को अप्लाई करके फील्ड की वैल्यूज कैलकुलेट कर लो। जैसे कि कब कब तुम्हें ये यूज होगा, मान लो कि कोई लीनियर चार्ज है, ठीक है कोई लीनियर चार्ज है, अब इस लीनियर चार्ज की वजह से तुम्हें क्या निकालना है, फ्लक्स निकालना है। अब ये लीनियर चार्ज तो इनक्लोज नहीं है, अब सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसे इनक्लोज करना पड़ेगा, इसे इनक्लोज करने के लिए हमारे पास क्या है, इसे इनक्लोज करने के लिए हमारे पास ये किसकी फॉर्म है, सिलेंडर की, ठीक है ये क्या है सिलेंडर, तो तुमने क्या बना दिया एक अपनी तरफ से चूज किया और क्या बना दिया एक गॉसियन सरफेस, तो सिलेंडर क्या है एक गॉसियन सरफेस है जो कि किसके लिए यूज में आएगा, जब तुम्हारे चार्जेस कैसे होंगे लीनियर चार्ज होंगे। दूसरा तुम्हारे पास क्या है देखो, ये है तुम्हारा स्फीयर, स्फीयर कब काम आएगा जब पॉइंट चार्जेस होंगे, मान लो पॉइंट चार्जेस हैं Q1, Q2, अब इनकी वजह से फील्ड निकालनी है तो क्या कर दो, इनको इनक्लोज कर दो किसमें, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस बना के, स्फेरिकल सरफेस बना दो और क्या कर दो इसको इनक्लोज कर दो। तो बस इसी तरीके से तुम लोग क्या कर सकते हो, गॉस लॉ को यूज कर सकते हो। और कौन कौन से, एक सेकंड में देख लेती हूँ तुम्हारे सिलेबस में कौन कौन से हैं गॉसियन सरफेसेस, बस यही है देखो, स्फेरिकल किसके लिए काम आएगा पॉइंट चार्ज के लिए, सिलेंड्रिकल किसके लिए काम आएगा लाइन चार्ज के लिए, बस ये दो ही है, इन्हीं दो का यूज करना है तुम्हें, जब हम एप्लीकेशंस करेंगे तुम ही सॉल्व करोगे, मैं नहीं करूंगी क्योंकि मैं तुम्हें आज ही इनफ पढ़ा दूंगी। चलो इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करो, क्यू बाय टू एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाय टू एप्सिलॉन नॉट, Q by 2 epsilon naught. ठीक है कितना आया Q by 2 epsilon naught, कैसे भाई Q charges play of half sphere electric flux passing through the surface Q by epsilon naught, वेरी गुड। देखो क्यों ये आधा sphere है, कोई इस स्फीयर के सेंटर पे यहाँ पे कोई चार्ज रखा हुआ है क्यू, अब निकालना है कि कितना चार्ज यहाँ से स्फीयर से पास होगा, मतलब कितना फ्लक्स इससे एसोसिएटेड है, जीरो। अब कैसे देखो, तुम्हें अभी मैंने तुम्हें बताया है कि सरफेस से कंप्लीट सरफेस इनक्लोज्ड के लिए तुम्हें पता है डिफाइंड है गॉस लॉ, इसके लिए क्या करो, अगर मैं इस चार्ज को पूरा इनक्लोज्ड कर दूं एक और स्फीयर बना के, इसके लिए मुझे पता है इस क्लोज सरफेस के लिए जो फ्लक्स होगी वो होगी क्यू बाय एप्साइलन। अभी अगर ये दो क्लोज सरफेस किसकी वजह से हैं, एक तो मेरा सरफेस मान लो ये वन हेमिस्फीयर प्लस सेकंड हेमिस्फीयर, इन दोनों की वजह से कितना है क्यू बाय एप्साइलन, तो एक की वजह से निकालूंगी तो कितना हो जाएगा क्यू बाय टू एप्साइलन,
ठीक है, तो इस तरीके से तुम लोग ये कैलकुलेट कर सकते हो। अच्छा अगर बताओ एक सेकंड, यहाँ पे एक सवाल था इसमें तुम लोग ये, हाँ अगर ये हेमिस्फीयर है जैसे ये वाला, इस हेमिस्फीयर के यहाँ पे मैं इस चार्ज को रख दूँ, इस चार्ज को जस्ट थोड़ा सा ऊपर करके रख दिया, तो अब इसकी वजह से जो फ्लक्स आएगी वो कितनी होगी बताओ? Q by epsilon naught. By epsilon naught. मैम जो टोटल फ्लक्स होगा पूरे स्फीयर के वजह से उसमें सर्कुलर रीजन को माइनस कर देंगे, जो सर्कुलर रीजन के जो फ्लक्स होगा वो माइनस कर देंगे। नहीं देखो मेरा सवाल क्या है, ध्यान से मेरा सवाल है कि ये तुम्हारे पास ये है, तुम्हारे पास एक स्फीयर, यहाँ पे चार्ज था अभी तो क्यू, अब जस्ट मैंने जस्ट थोड़ा सा यहाँ पे एक चार्ज रख दिया क्यू, थोड़ा सा जस्ट उठा के, ठीक है थोड़े से डिस्टेंस डी पे ऊपर। अब बताओ, अब मुझे इसकी वजह से अगर तुमसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि फ्लक्स कितना है तो कितना आएगा, तो देखो चेंज थोड़ी होगा, अब तुम क्या करोगे उसके ऊपर इतने ही डिस्टेंस का क्या रख दोगे, एक और स्फीयर रख दोगे, तो क्या चेंज होगा इसमें? क्लोज्ड हो गया ना, सिमेट्री देखो, सिमेट्री के लिए यही है ना क्लोज। यहाँ पे देखो गॉस ने क्या बोला है कि कहीं पे भी चार्ज हो वो इनक्लोज होना चाहिए। अब जैसे यहाँ पे थे ये चार्जेस, ये Q1 Q2 चार्जेस थे, Q1 और Q2 चार्जेस यहाँ थे, तो इनमें क्या सिमेट्री थी, एक चार्ज यहाँ है एक चार्ज यहाँ है, बट ये बात क्या है कि ये क्या है सारे चार्जेस इनक्लोज है, ठीक है। अब तुम इस चार्ज को, जो ये वाला चार्ज है ये चाहे कहीं पे भी रखा हो, ये वाला चार्ज कहीं पे भी रखा हो, बस मेन ये होना चाहिए कि इसकी वजह से जितनी भी फील्ड लाइंस जो बाहर निकल रही है वो सब क्या हो जाए, क्लोज्ड हो जाए, इस सरफेस के अंदर क्लोज्ड हो जाए, ठीक है। अब जब तुमने इसके ऊपर एक पूरा स्फीयर रख दिया वो क्या कर लेगा, अब इस फील्ड लाइन को सबको क्लोज्ड कर लेगा, ठीक है। तो इसकी वजह से भी जो तुम्हारी फ्लक्स की वैल्यू आएगी यहाँ पे कितनी आएगी, Q by 2 epsilon naught से। मैम पर अब तो ये कंप्लीट स्फीयर हो गया, क्या कह रहे हो? हाफ अपने हेमिस्फीयर बड़े, जो मैम आपने बड़ा वाला स्फीयर लगाया, हाफ हेमिस्फीयर लगाया है, पर उसमें से ज्यादा से वर्टिकल फील्ड लाइन पास होगी और नीचे वाले में से कम होगी, तो हमें इक्वली डिवाइड कैसे होगा, तो Q by 2 epsilon naught कैसे हुआ? तो ये वाला डिस्टेंस जो डी है वो इतना ग्रेटर नहीं होगा ना कि बिल्कुल एकदम से इनकी सिमेट्री चेंज हो जाए। वहां पे लिखा आएगा क्वेश्चन में कि डी इज ऐसे आएगा कि बहुत छोटे डिस्टेंस पे क्या कर दिया हमने, उसको उठा के यहाँ पे रख दिया, तो अब इसकी वजह से जो फ्लक्स आएगी वो कितनी आएगी, तो अभी भी उतनी आएगी कि पूरा चार्ज क्या हो जाएगा, पूरा चार्ज इनक्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो यही और मैम अगर हम जितना नीचे छोटा वाला नीचे वाला मैम उसका रेडियस आर है, हमने लेट कर लिया और आर डिस्टेंस को हमने अपवर्ड ऊपर रख दिया क्यू, वो सेंटर से अपवर्ड क्यू मैम, मान लिया सरफेस पे अंदर इनसाइड हाँ पूरा बनाएंगे, तो मैम उसकी क्या होगी फिर वैल्यू? अगर रेडियस ये कह रहे हो कि रेडियस, बट रेडियस से ज्यादा डिस्टेंस पे ले लिया ना मैम, जो नीचे छोटा वाला हेमिस्फीयर है उसकी रेडियस और उस डिस्टेंस की सेम हो गया, सेम डिस्टेंस सेम हो गया उसकी रेडियस के इक्वल हो गया, और ये डी और ये आर बराबर हो गए। यस मैम, यस मैम, अच्छा ये आपने yes, मतलब बराबर रख दिए, तब क्या करोगे? yes, तब क्या होगा? तब अगर ये डिस्टेंस बराबर, अगर ये डिस्टेंस देखो अगर बड़ी हो जाती है तब ये वाला फिर ये वाला लॉ नहीं लगा सकते, क्योंकि तब फिर सिमेट्री का केस आ जाएगा कि सिमेट्री नहीं बन पाएगी, है ना। तब क्या कर सकते हैं हम लोग, तब ये केस, तो ये वाला केस तो नहीं बनेगा, फिर तुम्हें इंटीग्रेशन से ही निकालना पड़ेगा, फिर तो इंटीग्रेशन से मैम, ठीक है। ये क्वेश्चन कहीं पे है तो एक बार सेंड कर देना,
मैम ओके मैम हां बोलिए ओके मैम हमें क्यू चार जो है जब डी और आर इक्वल होंगे तो सरफेस पे नहीं आ जाएगा या तो इनक्लोज करना पड़ेगा सरफेस को क्या कह रहे हो मैम वो जो क्यू चार्ज है वो डी और आर इक्वल हो जाएंगे तो सरफेस पे नहीं आ जाएगा सरफेस पे नहीं होगा ना वो रेडियस से ये जैसे मान लो ये स्फीयर था ठीक है ये स्फीयर है तुम्हारा अभी तो ये सेंटर पे रखा हुआ था और ये रेडियस है आर अभी इसी रेडियस के ऊपर यानी यहाँ पे तुम्हारा कोई भी चार्ज क्यू है इस ये क्वेश्चन है ठीक है अब तुम्हारा मेन क्वेश्चन अब तुम्हारा मेन होना चाहिए इस क्यू चार्ज को इनक्लोज करना इस तरीके से या तो एक इमेजिनरी सरफेस बना दो इस तरीके से बट वो ये है ना फिर हम मुझे इस वाले सरफेस का पता चलेगा कि इस सरफेस से कितनी क्लोज करेगी अगर क्वेश्चन आया कि इस हेमिस्फीयर से कितना फ्लक्स लिंक कर रहा है तब तो फिर आप लोगों को इंटीग्रेशन से या कुछ करके सॉल्व करना पड़ेगा अच्छा मैम तब ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते हाँ बताओ हैंड रेस किया है किसी ने नैन्सी ने जीरो क्यों बोला है बोलो नैन्सी मैम इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम नॉर्मल स्फीयर लेते और उसकी सरफेस पे क्यू चार्ज रखते तो फिर क्या होता फ्लक्स अगर क्या लिया अगर हम स्फीयर लेते एक और उसके सरफेस पे क्यू चार्ज रखते तो फिर क्या होता फ्लक्स अगर एक स्फीयर लूं या स्क्वायर मैम स्फीयर स्फीयर मैम स्फीयर ले लिया ठीक है हां स्फीयर बोल रहे हो ना यस मैम उसके सरफेस पे अगर एक चार्ज रखते क्यू तो और उसके यहाँ पे तुमने चार्ज रख दिया अच्छा इसके सरफेस पे भाई वो तो देखो इनसाइड होना चाहिए अगर उसके इनसाइड होगा तभी वो लॉ वैलिड है मैम फ्लक्स जीरो है तभी वैलिड है जब वो चार्ज इनक्लोज्ड हो वरना सर वरना गॉस लॉ वैलिड नहीं है फिर तुमको ई ए करके निकालना पड़ेगा चलो मैम हम फ्लक्स जीरो मान सकते हैं फिर इसमें इस केस में इस केस में फ्लक्स जीरो अगर चार्ज यहाँ पे है और नहीं देखो कुछ चार्ज तो नहीं जीरो तो नहीं होगा क्योंकि कुछ ना कुछ फील्ड लाइंस क्लोज्ड उसको पास तो जरूर करके नहीं होगा इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के जीरो नहीं होगा हाँ चलो ये वाला क्वेश्चन करो अपने जो क्वेरीज हैं वो मेरे को अगर देखो कोई क्वेश्चन ऐसा टकराए तुमसे तब उस क्वेश्चन को भेज देना अगर अभी तो ऐसे तुम लोग इमेजिनरी क्वेश्चन बनाते रहोगे ठीक है इसकी सरफेस पे भी बताओ कि एक सरफेस से कितना लिंक होगा इसके सरफेस से भी बताओ क्यू बाय सिक्स एप्सिलॉन देखो अब इसका क्या है कि तुम्हारे पास सेंटर पे क्या रखा हुआ है फाइंड द फ्लक्स पासिंग थ्रू ए क्यूब एंड फ्लक्स लिंक विद द चार्ज क्यू इज प्लेस एट द सेंटर सेंटर पे रखा हुआ है मतलब पूरा चार्ज क्या है इनक्लोज्ड है क्योंकि क्यूब कैसी सरफेस है थ्री डी सरफेस है इनक्लोज्ड है तो पूरा चार्ज इसने इनक्लोज कर लिया और सरफेस किस क्यूब कितने सरफेस से मिलके बनी है सिक्स सरफेस से तो छह सरफेस से कितना फ्लक्स पास कर रहा है एप्सिलॉन नॉट तो एक सरफेस से कितना करेगा क्यू बाय सिक्स एप्सिलॉन नॉट ठीक है तो वन सरफेस से भी कर दिया आप लोगों ने और पूरे क्यूब से भी कर दिया ठीक है अब आगे बढ़ो इसको करो फाइंड द फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्यूब एंड फ्लक्स लिंक विद द कहां पे रखा है देखो वन फेस पे अगर एक फेस पे चार्ज अब एक फेस पे चार्ज रखा है इस चार्ज को क्या करोगे पहले तो इस चार्ज को इनक्लोज करोगे इसका मतलब इसके बराबर में एक और हाँ इसके बराबर में तुमने एक और सरफेस स्फीयर लगा दिया अब चार्ज इनक्लोज हो गया यानी दो क्यूब को मिला के तुम्हारे पास एक इनक्लोज्ड सरफेस बना जिसकी वजह से गॉस लॉ के हिसाब से आई फ्लक्स इतनी तो एक सरफेस की वजह से यानी एक क्यूब की वजह से कितना आया क्यू बाय टू एप्सिलॉन नॉट वेरी गुड अब बचा तुम्हारे पास कितना सरफेस तो सरफेस की वजह से कितना आएगा बताओ एक सरफेस से कितना पास होगा क्यू बाय फोर एप्सिलॉन एंड फ्लक्स लिंक विद द सरफेस सरफेस से बताओ अब एक क्यूब कितने सरफेस से मिलके बनाए सिक्स सरफेस से और छह सरफेस की जो फ्लक्स है वो क्यू बाय टू एप्सिलॉन नॉट है तो अब एक सरफेस से कितना होना चाहिए वन अपॉन क्यू बाय ट्वेल्व एप्सिलॉन नहीं अब देखो यहाँ पे क्या होगा कि जब
एक तुम्हारा जो यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है, जिस सरफेस पे रखा हुआ है, वहां से क्या होगा कि जो चार्ज है वो कैसा जाएगा, सिर्फ पास करके के जाएगा बट उसको क्रॉस करके नहीं जाएगा। तो छह सरफेस में से सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे कितने सरफेस होंगे जो फ्लक्स को लिंक बनाने में लिंक करेंगे, सिर्फ फाइव सरफेसेस, ठीक है। सिर्फ पांच सरफेसेस ऐसे होंगे जिसकी वजह से क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट बनेगा तुम्हारा फ्लक्स। तो एक सरफेस की वजह से यहाँ पे आएगा क्यू बाय टेन एप्सिलॉन नॉट। तो इस तरीके के क्वेश्चन आए, तो देखो ये वाला तो तुम्हें याद, ये q by 2 epsilon naught तो तुम कर लोगे। अब इसमें से कितनी फ्लक्स बनाएंगे, कितने सरफेस, तो देखो छह में से सिर्फ फाइव सरफेस ऐसे हैं जो फ्लक्स बनाने में यूटिलाइज हो रहे हैं, ठीक है, q by 2 epsilon naught। तो एक की वजह से आ गया q by 10 epsilon naught। चलो अब फटाफट फटाफट इस वाले क्वेश्चन को भी बताओ। अब देखो वर्टेक्स पे है, तो वर्टेक्स पे बनाने, वर्टेक्स पे रखा हुआ है तो मुझे चार्ज क्या करना पड़ेगा, इनक्लोज करना पड़ेगा, यानी किस तरीके से चार स्क्वायर इसके ऊपर लगा दूं, ठीक है, चार यानी क्यूब इसके ऊपर हो गए चार, और तीन इसके, दो इसके पीछे और एक इसके बराबर में, यानी मेरे पास कितने क्यूब हो गए टोटल आठ। देखो एक ये रहा, दो तीन चार पांच छह सात और आठवा ये खुद, ठीक है, तो आठ क्यूब मिला के तुम्हारे पास इनक्लोज्ड हुआ ये। गॉस लॉ कह रहा है कि इनक्लोज्ड की वजह से क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट है, तो फ्लक्स थ्रू वन क्यूब कितना हो गया, ये तो तुमने सबने बता दिया, क्यू बाय एट एप्सिलॉन नॉट। मुझे बताओ कि अब एक सरफेस से कितना लिंक होगा, एक सरफेस से कितना लिंक होगा। अब देखो यहाँ पे क्या केस बनेगा कि जो एक क्यूब है, ठीक है, एक क्यूब के सिर्फ और सिर्फ तीन सरफेसेस ही ऐसी होंगी जो तुम्हारे फ्लक्स को बनाने में हेल्प करेंगी, यानी एट एप्सिलॉन नॉट जो है वो सिर्फ तीन सरफेसेस की वजह से है, कुछ इस तरीके से सिमेट्री बन गई है। तो तुम्हारे पास फ्लक्स थ्रू वन सरफेस यहाँ से स्टूडेंट्स जो बनेगा वो बनेगा क्यू बाय 24 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये इस तरीके से। चलो एक क्वेश्चन फटाफट, ये वाला क्वेश्चन मैम एक बार लास्ट वाला से आप बता दो, ये देखो इसमें आठ सर, हाँ आठ क्यूब मिला के तुम्हारा एक क्लोज्ड सरफेस बना रही थी, तो आठ क्यूब मिला के क्लोज सरफेस बना रही थी, यानी उनकी वजह से क्यू इनक्लोज्ड जो फ्लक्स एसोसिएटेड है वो हो गई क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अब आठ क्यूब का हो गया तो एक क्यूब का हुआ क्यू बाय एट एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब क्वेश्चन आ जाता है कि एक सरफेस की वजह से कितना होगा, तो उसके लिए पहले ये देखो कि एक क्यूब में से कितनी सरफेसेस है जो फ्लक्स बना रही है। तो एक क्यूब की छह सरफेसेस में से सिर्फ तीन सरफेसेस जो है वो फ्लक्स बनाएंगी, तो तीन सरफेसेस की वजह से हुआ क्यू बाय एट एप्सिलॉन नॉट, तो एक की वजह से कितना हो गया क्यू बाय 24 एप्सिलॉन, ठीक है, इसको नोट कर लो कॉपी। अब ये वाला क्वेश्चन जाते जाते सॉल्व करके चले जाओ, ये वाला ये वाला सवाल बता दो। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, देखो ऑप्शन बी कैसी है, क्यों भाई एप्सिलॉन नॉट किसका आ रहा है, ये भी तो हो सकता है। देखो इसमें तुम्हें एक अपोजिट साइड से फ्लक्स पूछा है कि अपोजिट साइड से यानी यहाँ से कितना फ्लक्स एसोसिएटेड होगा, राइट। तो देखो पहले तो तुम्हें चार्ज को क्या करना पड़ेगा, ये तो देखो यहाँ पे है, अभी जब हम लोगों ने एक जब फेस पे रखा हुआ था तो हमने क्या करा था, वहां पे एक और स्फीयर, एक और क्यूब लगाया था, क्योंकि यहाँ से तो चार्ज बाहर चला जाएगा, मुझे तो इनक्लोज करना है, तो इनक्लोज करने के लिए मैंने क्या किया, इसके ऊपर एक और क्यूब, एक इसके ऊपर एक और वो बना दिया, ठीक है। इसके ऊपर एक और क्यूब बना दिया, मान लो यहाँ पे इसके ऊपर एक और क्यूब बना दिया, ठीक है। अब देखो भाई ये वाला, ये जो
लेंथ होगी, अभी भी जो नया क्यूब लगाया है उसकी वजह से कितनी होगी, 2l, ठीक है। जो ये वाली लेंथ होगी, अभी भी जो ये वाली लेंथ होगी नए क्यूब के लगाने की वजह से कितनी होगी, 2l, बट अब ये लेंथ कितनी है, l, इसके ऊपर तुमने एक और क्यूब रख दिया, तो l लेंथ इसकी और l लेंथ इसकी, तो ये टोटल लेंथ कितनी हो गई, 2l, 2l, राइट, 2l। अब जो कोऑर्डिनेट्स हो गए तुम्हारे पास, जो क्यूब हो गया वो कितने हो गया, 2l, 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 यानी अब तुम्हारे पास एक क्यूब हुआ जिसके तुम्हारे पास जिसकी तुम्हारे पास लेंथ कितनी है, 2l, 2l, 2l। ये तुम्हारे पास एक क्यूबॉइड, ये पहले क्यूबॉइड था, अब क्यूबॉइड से क्या बन गया, क्यूब बन गया, जिसकी डायमेंशंस इतनी है, तो इसकी वजह से कितना बनेगा फ्लक्स, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो अब तुम इसको दो अलग अलग क्यूब मानने की जगह एक ही बड़ा क्यूब मान लो कि जिसके डायमेंशंस कितने हैं, 2l, 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 ठीक है। क्या करो, पहले तो ये था कि एक था जो 2l, 2l, l का था, अब तुमने क्या किया, एक और क्यूब इसके ऊपर लगाया, तो ऊपर लगाने से डायमेंशंस देखो क्या बनी, ये वाली लेंथ तो इतनी रहेगी क्योंकि तुमने एक ब्लॉक, देखो एक ईंट के ऊपर दूसरी ईंट रखोगे तो लंबाई, लेंथ तो उतनी रहेगी ना, क्या बढ़ेगी, हाइट ही तो बढ़ेगी, तो जो ये लेंथ थी जो इसकी एल वाली जो हाइट थी वो कितनी हो गई, 2l हो गई। तो अब ये कितना हो गया, एक क्यूबॉइड 2l, 2l, 2l लेंथ का, तो इसकी वजह से जो फ्लक्स एसोसिएटेड है कितनी, पाई बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर एक सरफेस की वजह से निकालोगे तो कितनी हो जाएगी, क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। बट अगर ये इस क्यू चार्ज को देखो यहाँ रख देता, इस क्यू चार्ज को यहाँ रख देता, तो तुम यहाँ पे फ्लक्स, यहाँ पे एक स्फीयर वो ऐड करते क्यू, यहाँ पे जब क्यू ऐड करते तो देखो डायमेंशंस कितनी हो जाती, जो अभी लास्ट केस डिस्कस किया था, वहां पे तुम दो इंडिविजुअल क्यूब को लेके चलते क्योंकि दोनों की डायमेंशंस अलग अलग होती, ठीक है। तो इन चीज का हमें तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, मैं तुम्हें सेंड कर दूंगी जो हो जाते हैं, ठीक है, जो नहीं होंगे उनको एक बार ट्राई कर लेना, कल हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है मैम, ओके मैम। हाँ, और किसी का डाउट हो, डीपीपीस भेजे थे उसमें से डाउट थे, तो डीपीपीस भेजी थी डाइपोल वाले में, अच्छा जो लास्ट क्लास की जो डीपीपीस थी डाइपोल वाली में, यस मैम। देखो डाइपोल में जो टॉर्क वाले हैं उन्हें तो छोड़ देना क्योंकि मैंने वो अभी कराया नहीं है, उसके अलावा कुछ हो तो आप लोग भेज देना, ठीक है, ओके मैम, ओके एवरीवन बाय। मैं ये डीपीपी, ये वाला पीपीटी भेज दूंगी, इसके जो क्वेश्चन रह गए हैं वो सॉल्व कर लेना। गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग मैम, बाय बाय बाय, गुड इवनिंग मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम।